तो स्वागत है फ्रेंड्स मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम एक सिंपल साइंस प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, सबसे पहले एक नॉर्मल 9 वोल्ट की बैटरी और एक कैपेसिटर जो कि 100 वोल्ट 100 μF का है, जो कि इजीली आपको मिल जाएगा PCB की सप्लाई में से, और एक नॉर्मल LED 3 वोल्ट की। तो फ्रेंड्स यही चीज़ चाहिए और जो यूज़ में आएगी हम उसको आगे वीडियो में बता देंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैं शुरू करता हूँ प्रोजेक्ट को सिंपल। तो फ्रेंड्स एक मैंने वाइट कलर की थर्माकोल की शीट होती है या फिर नॉर्मल वाली शीट बिछा ली है, और एक ये कनेक्टर लगा लिया है मैंने इस 9 वोल्ट बैटरी पे। तो मैं इस तरीके से लगा लूँगा यहाँ पर। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें इनके जो वायर हैं इन पे एक जो नॉर्मल फॉइल आती है, जो कि फॉइल है एलुमिनियम फॉइल, वो हम लगा लेंगे यहाँ पर। तो दोनों पॉइंटों पे मैं एलुमिनियम फॉइल अच्छे से लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स इनको लगाने के बाद अब हम इनको यहाँ जो हमारी शीट है हम इसको यहाँ पर टेप से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अच्छे से इसको चिपका दिया है मैंने। और इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट होने के बाद हम LED लेंगे, और LED के जो भी दोनों पॉइंट हैं हम उन पे भी अच्छे से जो एल्युमिनियम फॉइल है हम वो भी लगा लेंगे दोनों LED पे। और ये ध्यान रखना है एल्युमिनियम फॉइल लगाते टाइम आप इन दोनों को मतलब आपस में टच ना हो, मतलब अलग ही अलग रहें। तो इस तरीके से मैंने दोनों पे लगाने के बाद हम इस LED को भी अब हमारे यहाँ शीट पे चिपका देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी एल्युमिनियम फॉइल पे यहाँ चिपक गई है और दोनों टेप से मैंने अच्छे से चिपका दिए हैं, और देख सकते हैं अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये हमारा कैपेसिटर, और हम मार्कर लेंगे सबसे पहले। तो ये माइनस है बैटरी का और ये पॉजिटिव है बैटरी का, ठीक है। तो मैं दोनों पे लिख दूंगा अच्छे से, और ये LED का माइनस है और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने अच्छे से लिख दी हैं। और इसके बाद ये है हमारा कैपेसिटर, और ये है माइनस इसका और ये पॉजिटिव, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ इस चीज़ को मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाए। तो ये है फ्रेंड्स जो कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर कर लेता है, ये वो चीज़ है, और ये LED को जलाता है कितनी देर स्टोर करके रखता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा बस हम इसको टच करते हैं बैटरी पे और ये हमारे वोल्टेज स्टोर करता है, और ये हम आगे बैटरी को सप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स एक ये प्रोजेक्ट है सिंपल सा साइंस प्रोजेक्ट जो कि नॉर्मल लोग प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमने कैपेसिटर चार्ज किया और ये डिस्चार्ज। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी देर तक चार्ज रहता है, मैं अंधेरे में आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितनी देर तक के चार्ज रहती है हमारी LED। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तेज़ जलती है और एकदम हल्की सी मंदी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा साइंस प्रोजेक्ट था। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।